भी चलते चलते मिसिंग करती हैं, या सुबह सुबह स्टार्ट होने में दिक्कत करती हैं, या कि पेट्रोल ज़्यादा खाती हैं। तो इन बातों की जानकारी के लिए फ्रेंड्स हमारी वीडियो पूरी देखें। तो फ्रेंड्स अगर आपका बाइक का प्लग, अगर जिसका टॉप पार्ट ये जो ग्राउंड टच होता है, जहाँ पर हमारा ग्राउंड आता है प्लग में, प्लग करंट में, आप देख सकते हैं इसका और इसके अंदर जो चिमनी होती है जहाँ पर हमारा स्पार्किंग होता है जनरेट, उसका गैप, ये जो कि हमारी सबके घर पर या शॉप पर मिल जाएगी, जो कि रैक्सो ब्लेड, आरी ब्लेड कह देते हैं, इसका जो गैप होता है इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम देखें फ्रेंड्स, ये इस तरह हम चेकअप करेंगे, ये इसमें डाल लेंगे, सॉरी फ्रेंड्स अकेले वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ये इतना गैप होना चाहिए कि इसमें आराम से चली जाए, इससे ज़्यादा भी गैप ना हो और इससे कम भी ना हो। अगर इतना गैप होगा तो ये बिल्कुल सही इग्निशन करेगा, हमारा प्लग करंट नहीं छोड़ेगा या स्पार्किंग इधर उधर जनरेट नहीं होगी, और जो हमारा फ्यूल होता है वो बराबर बर्न होगा। अगर आपके प्लग, आप जैसे कि ओल्ड प्लग ओपन करते हैं, तो उसका जो ऊपर का टॉप पार्ट ये इतना ज़्यादा ऊपर हो जाता है, जिसमें कि हम अगर आपको दिखाएं, आरी ब्लेड बिल्कुल चली जाती है इसमें, फिर भी जगह रह जाती है ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्पार्क जनरेट करेगा वो ब्लास्ट होने की बजाय इधर उधर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर टॉप पार्ट होता है जो कि ग्राउंड होता है, और ये अंदर वाला पॉजिटिव होता है, प्लस वाला करंट, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए स्पार्क जनरेट होता है। अगर ये ज़्यादा ऊपर होगा तो हमारा प्लग का जो स्पार्क है ये इधर उधर फैल जाएगा, स्पार्क ठीक से जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल होता है वो पूरा बर्न नहीं होगा, और हमारी बाइक मिसिंग करेगी, कभी बर्न होगा कभी मिसिंग करेगी, और सुबह सुबह स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी बाइक जब ठंडी होगी। तो इस गैप को सही रखें, जो कि हमारा आरी ब्लेड होता है उतना गैप रखें, और बाकी आप जैसे कि ये नीचे वाला जो पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट जहाँ पर मैंने ये अंगूठा लगा के दिखाया आपको, जहाँ से स्पार्क जनरेट होता है, ये चिमनी भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम हाइट की नहीं होनी चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, इसका थोड़ा ओल्ड प्लग है तो इसकी चिमनी बहुत ही हाइट छोटी हो चुकी है, खा चुकी है चिमनी, इसलिए प्लग निकाला गया था। और दूसरा एक प्लग आपको दिखा देते हैं, ये वाला देखें फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी चिमनी बची हुई है, और एक न्यू प्लग है आपको खोल के दिखाते हैं, जो कि हमारा बॉस कंपनी का है, ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कंडीशन सही है, और इस वाले की देखिए आपको फ़र्क बराबर दिख जाएगा, और इस वाले की देखिए फ्रेंड्स, इसकी चिमनी तो पूरी है लेकिन ये प्लग शॉर्ट हो चुका है, जो कि आपकी बाइक में अगर ब्लैक स्मोक निकले तो आपकी बाइक एवरेज ठीक से नहीं दे रही, पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो उससे क्या हो गया कि ये प्लग शॉर्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जाने, पेट्रोल जाने के कारण। तो अगर आपकी बाइक का प्लग काफ़ी ब्लैक निकले इधर से, कार्बन डस्ट जमा हो, तो आपकी बाइक की जो ट्यूनिंग है वो फिर से सेट करनी पड़ेगी। तो आप मैकेनिक हो तो खुद करें, या कहीं पर पास पर मैकेनिक हो उसके पास जाकर ट्यूनिंग सेट करवाएं। ट्यूनिंग सेट करवाने से पहले आपकी बाइक हल्की सी, मतलब कि 3-4 किलोमीटर चल लेनी चाहिए, इंजन थोड़ा सा हीट होना चाहिए तभी ट्यूनिंग करवाएं, ठंडी बाइक में कभी ट्यूनिंग नहीं करवानी चाहिए। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी चिमनी के कारण इसको हटाया गया था प्लग को, तो ये गैप काफ़ी मायने रखता है, ये गैप फिक्स होना चाहिए आपकी बाइक का, तभी आपकी बाइक की सभी प्रॉब्लम ठीक होगी। प्लग से आप पता लगा सकते हैं कि बाइक कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, बाइक में हमारा ऑयल जो होता है, इंजन ऑयल बंद तो नहीं होने लग गया है, मतलब कि इंजन ऑयल तो नहीं खाने लग गई है बाइक, काफ़ी चीज़ों का आप प्लग, स्पार्क प्लग होता है उससे आप पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।